इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अरुण गोस्वामी के जीवन के बारे में। दोस्तों, यदि आप न्यूज एंकर नेहा बाथम और प्रदीप भंडारी की बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के खत्म होने से 20 सेकंड पहले उनकी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के अंत में आ जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उनकी बायोग्राफी के बारे में भी जान सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप और किसी की बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइए, मैं आपके लिए उनकी बायोग्राफी अपने चैनल पर लाऊंगा। आपको बता दें कि अरुण गोस्वामी एक भारतीय पत्रकार हैं और न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह अपनी आक्रामक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और आज भले ही अरुण गोस्वामी भारत के बड़े पत्रकारों में शुमार हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। इन्होंने दिन रात एक कर अपनी पत्रकारिता को इस मुकाम तक पहुंचाया है और वर्तमान में यह न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1973 को गुवाहाटी असम में हुआ था। इनके दादा का नाम रजनीकांत गोस्वामी है और यह एक वकील थे। इनके नाना का नाम गौरी शंकर भट्टाचार्य है जो सीपीआई दल के एक विधायक थे। इनके पिता का नाम मनोरंजन गोस्वामी है जो कि भारतीय सेना के एक जवान थे, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद यह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इनकी माता का नाम सुप्रभा गोस्वामी है जो कि एक लेखक हैं। अब बात कर लेते हैं इनके एजुकेशन की, तो अरुण गोस्वामी की स्कूली पढ़ाई भारत के कई स्कूलों में हुआ क्योंकि इनके पिता एक सेना के जवान थे और इन्होंने दिल्ली छावनी के सेंट मैरी स्कूल से अपनी 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद जबलपुर छावनी के केंद्रीय विद्यालय से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से समाजशास्त्र में BA की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1994 में सेंट एंटोनी कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से इन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर की पढ़ाई पूरी की। यदि बात करते हैं इनके पर्सनल लव लाइफ के बारे में, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लौटने के बाद इन्होंने अपने कॉलेज के प्यार सौम्यव्रत रे गोस्वामी से शादी की और वर्तमान में आज इस दंपत्ति का एक बेटा भी है। अब बात कर लेते हैं इनके करियर के बारे में, तो अरुण गोस्वामी ने पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत कोलकाता के इंग्लिश समाचार पेपर द टेलीग्राफ के साथ शुरू की और एक साल बाद यह दिल्ली चले गए और NDTV से जुड़ गए और NDTV में इन्होंने न्यूज आवर की एंकरिंग की और साथ ही साथ DD मेट्रो के लिए प्रसारित न्यूज टुनाइट प्रोग्राम की भी शुरुआत की। साल 2006 में अरुण गोस्वामी NDTV को छोड़ टाइम्स नाउ न्यूज चैनल में प्रधान संपादक के रूप में शामिल हुए। टाइम्स नाउ में अरुण ने एक कार्यक्रम की मेजबानी की जिसका नाम था फ्रैंकली स्पीकिंग विद अरुण, जहां इन्होंने बेनजीर भुट्टो, हामिद करजाई, दलाई लामा, हिलेरी क्विंटल, नरेंद्र मोदी आदि जैसे प्रतिष्ठित हस्तियों के भी इंटरव्यू लिए। 1 नवंबर 2016 को गोस्वामी ने कुछ मतभेदों के कारण टाइम्स नाउ को भी छोड़ दिया और 6 मई 2017 को इन्होंने अपना नया चैनल रिपब्लिक टीवी शुरू किया जो एशिया नेट द्वारा फंडेड था। एशिया नेट में मुख्य रूप से राज्यसभा के तत्कालीन स्वतंत्र सदस्य राजीव चंद्रशेखर ने निवेश किया था। आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी भारत का इकलौता समाचार चैनल था जो अपनी स्थापना के बाद लगातार 100 हफ्तों तक सबसे अधिक देखा जाने वाला अंग्रेजी समाचार चैनल बन गया था। दोस्तों, ये रही अरुण गोस्वामी की बायोग्राफी। यदि बायोग्राफी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर करिएगा।